बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हुरियाजुल्ला और आप लोग देख रहे हैं ओपी के टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम हवावे के मुख्तलिफ किस्म के RTN को किस तरह पावर अप करते हैं, मतलब किस टाइप के RTN की पावर कहाँ से लेना है और कौन से एम्पेयर के ब्रेकर से लेना है। मिसाल के तौर पर RTN 905 की पावर हम कौन से एम्पेयर के ब्रेकर से लेते हैं, इसी तरह RTN 950 के और RTN 950A के, इसके अलावा RTN 980 के और RTN 300 PI के। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये हायल करना है, जिस टाइम आप RTN की पावर लेते हो तो RTN का मेन पावर और स्टैंड बाय पावर दोनों BLVD पर कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब BLVD से पावर लेना लाजमी है। बाकी कौन सा RTN कौन से एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप करना है, इसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों का अपना एक स्टैंडर्ड है, हमने उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके RTN की पावर लेना है। बाकी मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो चलते हैं डायग्राम की तरफ और सीखते हैं। अच्छा फ्रेंड, तो आप लोग ये देख सकते हैं ये RTN के टाइप और इसके नेम मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा ये हवावे का स्टैंडर्ड है, जितने भी RTN के नेम और इसके टाइप मेंशन है ये हवावे के इक्विपमेंट है, इसलिए हवावे वालों ने अपना एक स्टैंडर्ड दिया है कि आप लोगों ने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके RTN की पावर लेना है। इसके अलावा ये CM Park वाले हमें कह रहे कि अगर आप हमारी साइडों पर इस किस्म के RTN को इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों ने हमारे इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके RTN की पावर लेना है। इसी तरह जेज वाले हमें कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमारी साइडों पर इस किस्म के RTN को इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों ने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके RTN की पावर लेने हैं। ये ब्रेकर रेटिंग डिटेल इसमें मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा शेयर सेट और इंप्रा शेयर सेट थर्ड पार्टी रेक्टिफायर, जो शेयर सेट हो या जिन साइड पर थर्ड पार्टी रेक्टिफायर लगा हुआ हो, तो वो हमें कह रहे हैं कि अगर आप हमारी साइड पर इस किस्म के RTN को अगर इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों ने इस किस्म के ब्रेकर से आप लोगों ने RTN की पावर लेना है, ठीक है। इसके अलावा यूपून वाले हमें कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमारी साइड पर इस किस्म के RTN को इंस्टॉल करता है तो आप लोगों ने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके RTN की पावर ले रहे हैं। अच्छा फ्रेंड, ये RTN 905 में हवावे का जो स्टैंडर्ड है वो हम 10 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। CM Park की स्टैंडर्ड के मुताबिक RTN 905 को हम 10 एम्पेयर या 16 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। इसके अलावा जेस सेट की स्टैंडर्ड के मुताबिक हम RTN 905 को 10 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। इसके अलावा शेयरिंग सेट और इंप्रेशर थर्ड पार्टी रेक्टिफायर के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम 10 एम्पेयर या 16 एम्पेयर के ब्रेकर से RTN 905 को पावर अप कर सकते हैं। इसके अलावा यूपून के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम RTN 905 को 10 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। RTN 950 या RTN 950A को हम हवावे के स्टैंडर्ड के मुताबिक 16 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। CM Park वाले हमें कह रहे हैं कि आप RTN 950 को 16 एम्पेयर से नहीं बल्कि 20 एम्पेयर के ब्रेकर से कम अज कम पावर अप करें। जेज वालों के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम RTN 950 या RTN 950A को 16 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। शेयरिंग सेट और इंप्रा शेयर सेट थर्ड पार्टी रेक्टिफायर वाले हमें कह रहे हैं कि RTN 950 या RTN 950A को आप 16 एम्पेयर या 32 एम्पेयर के ब्रेकर से कम अज कम पावर अप करें। यूपून की स्टैंडर्ड के मुताबिक हम RTN 950 या RTN 950A को 16 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। हवावे के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम RTN 980 को 32 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। CM Park की स्टैंडर्ड के मुताबिक हम RTN 980 को 32 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। जेस साइट की स्टैंडर्ड के मुताबिक हम RTN 980 को 32 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। शेयरिंग सेट और इंप्रेशर सेट थर्ड पार्टी रेक्टिफायर वाले हमें कह रहे हैं कि आप RTN 980 को 32 एम्पेयर या 63 एम्पेयर के ब्रेकर से कम अज कम पावर अप करें। यूपून की स्टैंडर्ड के मुताबिक हम RTN 980 को 32 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। 300 PI का जो RTN है हवावे के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम उसको 6 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। CM Park के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम 300 PI का जो RTN है वो हम 10 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। जेज वाले हमें कह रहे हैं कि आप 300 PI का जो RTN है वो कम से कम आप 6 एम्पेयर या 10 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप करें। शेयरिंग सेट और इंप्रेशर थर्ड पार्टी रेक्टिफायर वाले हमें कह रहे हैं कि आप 300 PI का जो RTN है उसको आप 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर या 16 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप करें। इसके अलावा यूपून वालों के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम 300 PI का जो RTN है वो हम 6 एम्पेयर के ब्रेकर से पावर अप कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, ये एक शीट है, ये एक डायग्राम है, आप इसी के मुताबिक अगर आपके पास ये
अवेलेबल हो तो आप इसी के मुताबिक बआसानी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जो भी टाइप RTN हो आप इसकी इंस्टॉलेशन बआसानी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट बना के इसको आप अपने साथ रख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिला हो, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल पी के टेलीकम्युनिकेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि और जितने भी वीडियोज में अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।